तीन का सिलसिला तो जारी रहता है। ये मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि तकवा के साथ यकीन करें, क्योंकि मैं कामिल यकीन रखता हूं सौ फीसद हर आदमी यकीन रखता है, मैं ऐसी कुर्बानी नहीं दे सकता कि जिसने दावा किया था ताजमहल में कि मैं अल्लाह के बाद में इमाम महदी और मसीह बना के दे जाए, तो झूठा नहीं था। कोई झूठों की अलामतें नहीं है जो उनमें जाहिर हुई है, कोई झूठों वाली अलामतें नहीं है जो उनके मानने वालों में जाहिर हुई है। एक झूठा अगर झूठ बोलता है तो किसी मकसद के लिए बोलता है और उसका मकसद मकसद पाक नहीं हो सकता। कभी किसी झूठे ने नमाजी नहीं पैदा किए होंगे, कभी किसी झूठे ने कुरान की शरीयत करने वाले पैदा नहीं किए होंगे, कभी किसी झूठे ने नेक अखलाक वाले लोग नहीं पैदा किए होंगे, कभी किसी झूठे ने बदमाशों को निस्बतन जानतदार नहीं बनाया होगा, बदसूखों को निस्बतन बाखलाक नहीं बनाया होगा, कभी किसी झूठे ने जिन्होंने खुदा के नाम पर माली कुर्बानी करने वाले पैदा नहीं किए। ये सारी एक इज्तिमाई शक्ल है। इसलिए अगर वो पैगाम आपके नजदीक दुरुस्त ना भी हो, आप ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि गलत फहमी हो, झूठ का इल्जाम नहीं लगा सकते, क्योंकि झूठे की इलामतें और होती हैं, उसकी तर्ज बयान, उसकी रहन सहन, जिस किस्म के लोग पैदा करता है वो मुख्तलिफ होते हैं। हजरत मसीह अलैहिस्सलाम ने बहुत ही प्यारा फिक्र कहा है कि दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, कभी बैल को मीठा फल नहीं लगता। तो एक आदमी अगर झूठा है तो उसको जरूरत क्या है कि अल्लाह के नाम पर कुर्बानी करने वाले, नमाजे पढ़ने वाले, दीन की खिदमत करने वाले, गालियां खाकर, तकलीफें उठाकर, मुर्तद कहलाकर भी, जाने देकर भी अपने मकसद पर कायम रहने वाले पैदा कर जाए। इसलिए जो भी लोग जिसको तो मुस्तफी होते हैं वो ये फैसला करते हैं कि अगर हमें समझ नहीं आ रही उनके अफाज की तो हो सकता गलत हो, लेकिन झूठे नहीं। कई लोग पागल होते हैं, कई गलत नहीं मुबला होते हैं, कई उनके दिमाग की बुनाई ऐसी होती है एक मसला उनको समझ आ रहा होता है बजाय दूसरे को नहीं आता। अब ये जितने भाई हैं जो तीन को एक और एक को तीन मान रहे हैं, इनको आप झूठा नहीं कह सकते, क्योंकि इन्होंने 300 साल इकट्ठा शुरू किया और उसके बाद मुसलसल अपने दीन की फिक्र को मान्य दी है। आप ये गलत कह सकते हैं, इन लोग जीवन बड़ा फर्क है। और यही वजह है कि जो ईसाई मौके तीन निस्बतन ज्यादा शरीफ नफ्स और मुस्तकी थे, निस्बतन ज्यादा उन्होंने रूलम सल्लाम को भी झूठा लफ्ज ने इस्तेमाल किया। इन सब मौके तीन ने लिखा है कि अपने पैगाम पर वो कामिल यकीन करता है। बाइबल जो है तो वो जहां उसका दाव लगता है, चिरके भी लगाता है, खंजर भी फोंकता है, लेकिन जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई का मामला है वहां लाजमन तारीफ करता है, लेन बोल है वो नहीं करता है, कारलाइल है वो बड़ी शिद्दत के साथ इस बात का इजहार, हालांकि उसे मान नहीं हुआ, कहता है कि ये सब झूठा नहीं था। इसीलिए जो चौबीस पच्चीस हवाई सभी के आवाज के मुसलमान मुस्तफरीन और चोटी के बुजुर्ग थे, उन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के मुताबिक मैंने ही अल्फाज इस्तेमाल किए। मौलाना आजाद तक भी उनके पास एक दफा हरार का वफर दिया, उन्होंने कहा कि फतवा दो, उनके मन को मैं झूठा नहीं कहता, इसलिए मुझे पता है मैं मानता नहीं उनकी अदायत भी खिलाफ है, लेकिन ये कि मैं ये यकीन रखूं कि सर झूठ बोल रहा है ये नहीं कह सकता। बहुत बड़े बड़े पीर हैं, सुकून हैं उस जमाने के उलमा हैं, ये सब निकल गए। हमारा जब इख्तलाफी लिटरेचर आप पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे गिनती के चंद उलमा के नाम आते हैं जिन्होंने अपने आप को झूठा कहने के लिए वक्त दिया, बाकी मैं कहते हम नहीं जानते, लेकिन नतीजे का इख्तलाफ है। तो पहली करेक्शन तो ये करनी चाहिए एटीट्यूड में, जिनकी सारी जमात 100 साल से कुर्बानियां दे रही है, नीति की काम कर रही है, दुनिया में तहरीर कर रही है, उनको आप कॉन्शियस की झूठा कैसे कह सकते हैं। इसलिए ये देखें कि जो अकायद हैं उनमें उनको गलती लगी है या आपको गलती लगी है, कुरान जिसके साथ है अगर उसके साथ जाने का फैसला कर लिया मतलब खत्म हो जाता है।
لیکن پریجوڈائس کے بغیر غور کریں. ضرور محبیے آخر زمان ہے.